हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नवीन इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन। आज हम आपको ये बजाज का सीलिंग फैन भरना सिखाएंगे, वो भी हाथ से, जो कि स्टेटर साइज है इसका। बारे में आप इस पटरी के माध्यम से भी नाप सकते हैं स्टेटर साइज, जो कि 12 mm है। देख लीजिए 12 mm है। तो इसको हम भरने के लिए ग्रीन पेपर का यूज कर रहे हैं, जो कि 7 नंबर का ग्रीन पेपर है। 7 नंबर या 10 नंबर यूज कर सकते हैं। तो अब इसको जैसे 12 mm है आपका स्टेटर, तो उसके बाद आप समथिंग इस साइज में आप काट लीजिए 2 इंच का पेपर। तो अब इसमें हम भरेंगे, ये होल के साइड से ही भरा जाएगा। अब हम वायर, कॉपर का वायर है, अब इसको हम डालेंगे 36 नंबर वायर। तो हम आपको भरना दिखाते हैं। तो हम वायर को खोल लेंगे, तो मैंने वायर को खोल रखा है। अब इसको हम इस फैन में डालेंगे। अब आपको डालने का तरीका हम इसमें आपको बताते हैं कैसे डाला जाएगा। तो डालने के लिए पहले हम इसमें इसको बांध लेंगे, उसके बाद इस होल में डालेंगे, फिर हमको इसको राउंड मारना है। तो हम इसका राउंड जो लगाएंगे इस तरीके से लगाएंगे, देखिए ऐसे ऐसे हमको इसी टाइप में भरना है, फिर उसके बाद यूं भरना है। तो हम भी 10-15 कॉइल भर के आपको दिखाते हैं। तो इसमें भरना है आपको अंदर वाले में 360 टर्न आपको कॉपर वायर 36 नंबर से भरना है। पहले हम आपको एक कॉइल भर के दिखाते हैं। तो आप देखिए, तो इसमें जो कॉइल डालना है इसी तरीके से आपको इसमें से ऐसे होके डालना है। और ये ध्यान देना है, ये जो होल है इसके ठीक सामने से ही लीड निकलना चाहिए, तो एक यहाँ पर निकलेगा, तो कनेक्शन जैसे करने में प्रॉब्लम ना हो। तो हम इसको भर के आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने 2 कॉइल भर दिया है, आप देखिए। तो एक कॉइल आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो यूँ भरा गया ऐसे इस तरीके से, फिर यहाँ से आके इस तरीके से भरा गया, फिर अब ये इस तरीके से भरा जाएगा। इसी टाइप से एक सीधा एक उल्टा, इसी टाइप से ये सारे कॉइल्स भरने हैं। हम आपको ये सारे कॉइल्स भर के आपको दिखाते हैं। ये ध्यान दीजिए, 12 इंच का ये जो एम एम का जो ये स्टेटर है, चाहे जिस कंपनी का हो, ध्यान दीजिए, 12 mm में आपको 360 टर्न अंदर डालना है, 380 टर्न बाहर करना है 36 नंबर कापर वायर से। ये जरूर ध्यान दें। हाथ से भर रहे हैं तो आप ये पेपर चाहे 7 नंबर का यूज कर लीजिए, चाहे 10 नंबर का। 10 नंबर करेंगे तो और बेटर रहेगा। तो ये कॉइल्स आपको भर के हम दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये सारे कॉइल्स भर दिए हैं। अब लास्ट वाला कॉइल भरना है, जो कि ऐसे ऐसे भरना है, और इसका सिरा यहाँ से निकलेगा। तो इसको हम आपको भर के दिखाते हैं। तो मैंने इसका दोनों भर दिए हैं, दोनों सिरा निकल गया, एक फर्स्ट एक लास्ट, दोनों एक एक साइड में। अब पेपर को हम इसको अंदर डाल देंगे इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से, और बहुत सावधानी से इसको अंदर करना है, जिससे वायर छिले ना। इसको हम वायर अंदर सब सारे अंदर कर देंगे, तब उसके बाद स्लिप लगा देंगे, फिर आप। तो फ्रेंड्स, मैंने एक कॉइल भी भर दिया है, जबकि एक ए अंदर वाला का एक सिरा ये हो गया और एक सिरा ये हो गया, बाहर वाला का एक ही हो गया, एक ही हो गया। तो अब हम इसमें पेपर भी मैंने लगा दिए, देखिए इस टाइप से कट करके हमने पेपर सारा लगा। अब इसको हम वार्निश करेंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको सारा भर दिया है। तो आप देखिए, मैंने इसका 4 लीड निकाल लिया है, 2 रेड 2 ब्लैक, जो कि यहाँ से देखिए ये दोनों पॉइंट हो गया आपका, एक ये वाला ये रेड हो गया, वो दोनों आपका ब्लैक,
जो कि ब्लैक की, ये वाला ब्लैक है स्टार्टिंग है और ये वाला दोनों रनिंग का है। तो जैसे कि धूप नहीं हो पा रहा है इसलिए हम इसको लाइट के द्वारा इसका जो वार्निश है उसे हम सुखा रहे हैं। तो आप देखिए मैंने सीरीज बोर्ड बना रखा है, सीरीज बोर्ड में ये वायर देखो येलो कलर का जो लगाए हैं, ये सीरीज में लगा के एक रनिंग का एक स्टार्टिंग का शार्ट करके उसमें एक सप्लाई दे दिए हैं और एक रेड, मतलब एक वायर इसमें एक वायर इसमें एक वायर इसमें सप्लाई देकर मैंने सीरीज से लगा रखा है, जो कि वायर जब हीट होगा तो वार्निश सूख जाएगा अच्छी तरीके से। तो हम इसको एक घंटे अच्छी तरह से, आधे घंटे स्टार्टिंग आधे घंटे रनिंग को हीट करके अच्छे से सुखवा देंगे, उसके बाद हम इसको फिट करके चला के आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स अब हम इसको सेट करेंगे फैन को, देख लीजिए इस पे पेपर ज़रूर लगा देना चाहिए, ये रनिंग कॉइल का जो लीड जाता है इस पे पेपर लगा देना चाहिए जिससे कि ये कॉइल पे शॉर्ट न करे। तब हम इसमें ये देखिए ये बजाज जो कि हम अब इसमें सेट करेंगे, तो स्टेटर को हम देखिए इसमें लगाएंगे, मैंने लगा दिए। अब इसका कवर हम पैक करेंगे, तब इसको हम सेट करते हैं अच्छी तरीके से, तो आपको चला के हम दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने वीडियो थोड़ा स्किप किया था, तो इसको मैं अच्छी तरीके से फिट कर दिया, तो देखिए तो ये मूवमेंट भी अच्छी तरीके से कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आवाज़ भी नहीं कर रहा है, तो अच्छी तरीके से फिट हो गया है। तब हम इसको अब टेस्ट करके आपको दिखाते हैं, चला के दिखाते हैं। अब इसमें कैपेसिटर लगा के हम आपको चेक करके दिखाते हैं। अब इसमें हम कनेक्शन करेंगे, ये हमारा स्टार्टिंग रनिंग का एक एक पोल है और ये स्टार्टिंग रनिंग का लास्ट पोल है जिसमें कैपेसिटर लगाएंगे, और इस पोल में कैपेसिटर लगा के सप्लाई देंगे और इस पोल में, तो हम फटाफट इसमें कैपेसिटर लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने इसको टेस्टिंग में लगा रखा है, देखिए मैंने टेस्टिंग में लगा दिया, हम सप्लाई इसको दिखा देते हैं आपको। ये हो गया कैपेसिटर का एक पोल, रनिंग का एक पोल है, ये स्टार्टिंग का एक पोल, कैपेसिटर में लग गया, स्टार्टिंग रनिंग का एक एक पोल जो कि इसमें सप्लाई दिया जा रहा है और इसमें सप्लाई दिया जा रहा है, ये देखिए। अब इसको हम चला के दिखाते हैं, तो फैन मेरा सीधा चल रहा है और स्पीड भी ठीक है जो कि सीरीज से लगा हुआ है। अब इसको अभी हम डायरेक्ट लगाएंगे, तो फैन वर्किंग कर रहा है, तो मैंने इसमें सजा दिया, देखिए फैन चल रहा है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नवीन इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू।